आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ पुंगइया में डाली और जब निकाली सो तब टेढ़ी की टेढ़ी निकली। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान का यही हाल है। आप 1965 का युद्ध देख सकते हैं, आप 1971 का युद्ध देख सकते हैं, उसके बाद जो भी परिस्थिति बनी हुई है, हर बार मुंह की खानी पड़ी, हर बार हार का मुंह देखना पड़ा पाकिस्तान को, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये आर्टिकल पाकिस्तान को लेकर ही लिखा गया आपका, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी दुनिया में आपको 3 देश मिलेंगे जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। एक चीन, दूसरा देखेंगे आप लोग तुर्की, क्या देखेंगे, तुर्की, ये तुर्की, और तीसरा आपको देखेगा मलेशिया। आप समझ रहे हैं, पूरे विश्व में ये तीनों देश अभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सभी जिन लोग जानते होंगे कि जो इस्लामिक कंट्री है यानी कि जो मुस्लिम देश हैं, वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें जून 2018 से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को। तो कई तरह के सैंक्शन की ही तरह आप सोचिए, अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो एक तरह से व्यापार ठप्प पड़ जाएगा, दूसरे देश बाहरी देश इससे व्यापार नहीं करेंगे। तो अभी एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है ग्रे लिस्ट को। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि मुझे इससे निकाल दिया जाए, क्योंकि स्थिति इसकी पाकिस्तान की समझ रहे हैं आप लोग की बहुत खस्ता है, बुरी है, फिर भी अपनी हरकतें करता रहता है। तो इसने अभी ये क्या चुना है कि 88 आतंकी लोगों को, मतलब आतंकी सूची में डाला हुआ है। उसमें आपने देखा है दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया गया है। तो आप देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, बहुत कुछ जानने के लिए आपका, और प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में भी बन जाते हैं। और जब हम लोग मैप्स का कवर कर रहे थे, पूरा विश्व आपने देखा है किस तरह से हम लोगों ने जो ज्योग्राफी में हिस्सा रहता है मैप्स का पूरा कवर किया हुआ है, 70 से 75% क्वेश्चंस आपके उसी से बन जाते हैं। तो मैप्स के नाम से प्लेलिस्ट सोचिए, उसमें जाकर देखिए आप लोग। उसमें बताया था कि इतने देश हैं, कैसे याद रखेंगे हम लोग, परीक्षाओं में कौन से देश पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए, जो देश चर्चा में रहते हैं और जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल चर्चा में बने हुए हैं, तो वही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी देशों के बारे में बहुत जानकारी याद रख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, स्मार्टगिरी यही है कि आप उस समय जिस समय भी चर्चा में रह रहे हैं उनके बारे में याद रख लीजिए। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मतभेद अब सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बैठक से इनकार कर दिया। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाई गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो याद रखिए, अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होंगे जो अन्य देशों में लागू होते थे। अभी देखते थे कई प्रावधान आपके जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, एक तरह से स्पेशल अलग से संविधान माना जाता था, लेकिन इस तरह की अब सभी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। उसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान सबके पास गया इस समस्या को लेकर, किसी ने साथ नहीं दिया। आपको यही 2-3 देशों की बात बता रहा हूं ना, इन्हीं 3 देशों, चाइना, तुर्की, मलेशिया, इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को। बाकी सभी देशों ने कह दिया कि भारत का आंतरिक मामला है, वो अपने हिसाब से निपट सकता है। जो उसके पाकिस्तान के खास मित्र हुआ करते थे, सऊदी अरब को देखिए, 1971 में आपने देखा है कि सऊदी अरब ने साथ दिया था पाकिस्तान का। उसके बाद भी आप कई बार देखेंगे कि पाकिस्तान का साथ देते थे ये सभी इस्लामिक स्टेट, लेकिन आज सब ने एक तरह से अपना हाथ खींच लिया। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति यानी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को पुनर्संरचित करने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के इस आंतरिक मुद्दे को वैश्विक बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को पुनर्संरचित करने के उपरांत सऊदी अरब द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई, जबकि मलेशिया, टर्की जैसे देशों ने इसका विरोध किया था, यानी कि 370 हटाने का। पिछले एक वर्ष से पाकिस्तान सऊदी अरब से जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसका ये प्रयास अब धूमिल होता दिख रहा है, वो अपने काम में सक्सेस नहीं हो रहा है। याद रखिए, तुर्की ये है, तुर्की ने भी साथ दिया था, मलेशिया ने भी साथ दिया था,
और आपने देखा है चीन ने भी साथ दिया था। चीन तो वैसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आज तरह से चीन की गोदी में बैठा हुआ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के अगर संबंधों की बात करें हम लोग, तो 1970 के समय में सऊदी अरब पाकिस्तान के मुख्य समर्थक देशों में से एक था, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उसने स्पष्ट रूप से भारत को इस्लाम विरोधी बताते हुए, किसने, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान का समर्थन किया था। ना सिर्फ नैतिक रूप से वरन सऊदी अरब ने हथियार और धन से भी पाकिस्तान की सहायता की थी। याद रखिए 1971 के युद्ध में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी काफी सपोर्ट किया था, किसे, पाकिस्तान को। एक समय आप देखते थे कि सऊदी अरब चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी अमेरिका के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। रूस हमारा दोस्त हुआ करता था, बहुत भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान का झुकाव रूस की तरफ हो रहा है, हमारी तो तरफ झुकाव अमेरिका का हो रहा है। एक याद रखिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह है, क्योंकि अगर आपसे, अगर कल के दिन आपसे भी मतलब निकल जाए इसका, तो ये आपसे भी दोस्ती तोड़ देगा। आज अगर चीन को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि आगे बढ़ने से रोकना है, तो पाकिस्तान यानी कि अमेरिका को हमारी मदद चाहिए, भारत की मदद चाहिए, इसीलिए वो हमारा साथ दे रहा है। युद्ध उपरांत सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1977 तक लगभग 1 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदने के लिए ऋण दिया, जिसमें अमेरिका से F-16S और हार्पून मिसाइलें शामिल थीं। परमाणु परीक्षणों के बाद, प्रतिबंधों के बाद, सऊदी अरब तेल और डॉलर ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। पिछले 2 दशकों में सऊदी अरब ने आर्थिक कठिनाइयों से घिरे पाकिस्तान को आस्थगित भुगतान पर तेल उपलब्ध कराया, यानी कि सस्ते, एक तरह से बहुत कम दाम पर तेल उपलब्ध कराया, क्योंकि आप जानते हैं जो खाड़ी देश है, यहाँ सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन होता है। हम भी देखते हैं एक बड़ा हिस्सा अपना इन्हीं देशों से खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास तेल के इतने स्रोत नहीं है कि हम अपना पूरा जितना भी उपयोग होता है उतना काम चला सकें। तो हम देखते हैं 70-75-80% तक हम लोग कच्चा तेल बाहरी देशों से खरीदते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदरसों में भी फंडिंग की, परंतु पाक इसका यानी कि पाकिस्तान इसका उपयोग धार्मिक चरमपंथ के लिए लिया, या तरह से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मदरसों के लिए फंडिंग की, लेकिन पाकिस्तान क्या किया करता था कि यानी कि एक तरह से आतंकवादी समूहों को इससे पालता था। उसे 1990 में इराक के कुवैत पर आक्रमण के खिलाफ सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीनी सेनाएं भी भेजी। तनाव क्यों हुआ है, इन दोनों से के बीच इतने अच्छे एक तरह से संबंध थे, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई, बुराई कहाँ हुई है, उसे भी देख लेते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा है। 2015 में पाकिस्तान की संसद ने यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के लिए सऊदी सैन्य प्रयास का समर्थन नहीं किया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद फरवरी 2019 में यह सऊदी अरब और यूएई था जिसने ब्रिक कमांडर अभिनंदन को छोड़ने हेतु दबाव बनवाया था। आपको मालूम होगा कि फरवरी 2019 में आपने देखा था कि हमारे जो ब्रिक कमांडर थे अभिनंदन साहब, ये पाकिस्तान में जा पहुंचे थे, जो इनका क्रैश हुआ था आपने देखा था लड़ाकू विमान, उसी के कारण। तो उसके बाद आपने देखा है छोड़ा भी था उन्होंने। सऊदी क्राउन प्रिंस ने उस समय पाकिस्तान और भारत का दौरा भी किया था। यह स्पष्ट किया उन्हें आर्थिक अवसरों को महत्व था। उन्होंने भारत में कश्मीर मुद्दे या फिर पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने यानी कि न्यूट्रल होकर एक तरह से, जिस तरह से आप आंसर लिखते हैं ना कि आपको बैलेंस बनाकर आंसर लिखना पड़ता है, कि ना तो नेगेटिव पॉइंट लिख दिए जाए ना पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए जाए, एकाएक एक पूरा बैलेंस, इसी तरह इन्होंने भी काम किया। ना तो ज्यादा पाकिस्तान की तरफ बोला ना ही भारत की तरफ बोला। धारा 370 के निरस्त होने के 1 साल बाद पाकिस्तान कश्मीर पर सऊदी अरब की निष्क्रियता से परेशान हो चुका है, क्योंकि एक समय हुआ करता था कि पाकिस्तान का पूरा सहयोगी हुआ करता था, हर बात पर उसका साथ देता था। लेकिन धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, तो पाकिस्तान इस बात से परेशान हो गया।
पाक ने आरोप लगाया कि ओआईसी में भी भारत के विरोध के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इससे सऊदी अरब नाराज था, जिसके चलते उसने नवंबर 2018 में पाकिस्तान के लिए घोषित 6.2 यानी कि 6.2 बिलियन डॉलर पैकेज में, जिसमें ऋण में 3 बिलियन डॉलर और 3.2 बिलियन डॉलर की तेल क्रेडिट सुविधा शामिल थी, सिर्फ 3 बिलियन ऋण की वापसी की मांग की और स्थगित भुगतान पर इस्लामाबाद को तेल बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने तुरंत 1 बिलियन डॉलर लौटाए भी थे, जिससे तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा था। फिर उसके बाद देखेंगे कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में पाकिस्तान अगली किस्त का भुगतान करने में असमर्थ रहा। भले ही पाकिस्तान इस तरह की हरकत करते रहे, लेकिन उसके पास आप सोचिए कि अपना खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है। चीन का कितना एक तरह से कर्ज ले चुका है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है कि अपनी अर्थव्यवस्था संभाले, अपने देश को देखे। लेकिन उसे बाहरी देशों को मैं अशांति फैलाने में बड़ी खुशी मिलती है, इसी को एक तरह से वो अपना तरक्की मानता है। जनरल वाजवा एक पैचअप अभ्यास में रियाद थे, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के अधिक मामलों में चलती है। पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री साहब हैं और जो भी वहाँ के और भी नेता हैं, उनकी मुझे नहीं लगता है कि चलती है। जो भी सेना प्रमुख होता है वही अपनी चलाता है। सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया के लिए भटकने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर पर ओआईसी की बात करें हम लोग, तो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद शुरू होने के बाद 1990 के बाद से इस्लामिक सम्मेलन के संगठन में कश्मीर मुद्दे पर बात हुई है। पिछले साल भारत द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा के लिए ओआईसी के साथ एक पैरवी की, परंतु सऊदी अरब और यूएई ने ऐसे बयान जारी किए कि भारत की कठोर आलोचना नहीं कर रहे थे, यानी कि एक तरह से नरम पड़े हुए थे। इसीलिए आपने देखा है कि ज्यादा देशों ने पाकिस्तान का साथ भी नहीं दिया, क्योंकि आप देखेंगे ओआईसी में सऊदी अरब और यूएई एक खासा महत्व भी रखते हैं उसमें, उस संगठन में। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने इस्लामी देशों के बीच भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी की है, लेकिन उनमें से मात्र तुर्की और मलेशिया ने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना की है। तुर्की को तो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, हमारे खिलाफ बना रहता है। सऊदी अरब की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासन के अंतर्गत सऊदी अरब की स्थिति में बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया है, जैसा कि यह अपनी भारी तेल निर्भर अर्थव्यवस्था से विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत को एक मूल्यवान भागीदार के रूप में देखता है, और भारत ने यहाँ कई तरह की परियोजनाओं की भी बात की है, समझौता भी हुए हमारे। भारत अब अरब राष्ट्रों का महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी भी बन चुका है। लगातार की यात्राओं ने दोनों क्षेत्रों के मध्य राजनयिक संबल भी प्रदान किया है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है, चीन, अमेरिका और जापान के बाद। ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है। भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 18% यहीं से यानी कि सऊदी अरब से आयात करता है। निर्यात मतलब हम लोग दूसरे देशों को बेचना, और आयात मतलब खरीदना। सऊदी अरब भारत के लिए रसोई गैस का एक प्रमुख स्रोत भी है। तुर्की के राष्ट्रपति को सऊदी अरब लंबे समय से मुस्लिम दुनिया के नए नेता के रूप में स्थान प्राप्त करने के आकांक्षी के रूप में देखा जाता है, जो सऊदी अरब के हितों के अनुरूप नहीं है, यानी कि सऊदी अरब के लिए अच्छा भी नहीं है। और अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के कारण भारत ईरान से तेल आयात रोक रहा है, साथ ही सऊदी अरब इस संबंध में महत्वपूर्ण पक्षकार साबित होगा। भारत के लिए अगर निहितार्थ की बात करूं तो भारत जो पाकिस्तान और सऊदी अरब घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ सीए एनआरसी पर सऊदी अरब के मौन समर्थन ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। याद रखिए सीए और एनआरसी पर भी आपके पास आपके जो सऊदी अरब है इसने कुछ नहीं कहा था, ठीक है। भारत तथा सऊदी अरब दोनों अपने रिश्ते के मूल को समझ रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत और चीन एक सीमा विवाद में है, और भारत पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ का सामना भी कर रहा है, ऐसे में सऊदी अरब पाक को समर्थन भारत के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। परंतु सऊदी निश्चित ही क्षेत्रीय अस्थिरता नहीं चाहेगा,
क्योंकि आपने देखा है कि अभी एक तरफ से चीन पूरी तरह से लगा हुआ है, अभी झड़प भी देखी हुई थी हम लोगों ने, लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद भी हुए थे। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान देख रहे हैं आप लोग कि वो भी अपनी तरह से लगा हुआ है, नेपाल को भी आप देखते हैं कि चीन की भाषा बोलने लगा है। तो हम एक तरह से हर तरह से हर फ्रंट पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। कई देशों का हमें सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में देख रहे हैं आप लोग कि चीन किस तरह से परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। जो श्रीलंका में नई सरकार बनी हुई है वो आप देखते हैं कि चीन की तरफ उसका झुकाव है। भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान सऊदी अरब की स्थिति एक साथ आकर सऊदी पाकिस्तान और चीन त्रिकोण नहीं में परिवर्तित ना हो, यही भारत के साथ साथ क्षेत्रीय शांति हेतु आवश्यक होगा कि ये तीनों देश एक ना हो जाएं। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके पाकिस्तान की। वही आप भी जानते हैं कि एक मतलब सुधरने का नाम ही नहीं देता है। आप देख रहे हैं कि हर बार मोई की खानी पड़ रही है, कोई किसी भी बार भी जीता हो तो बताइए, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता, अपने अपना काम करता रहता है, एक तरह से मग्न मौला है। चलिए ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चंस कोई बनता है तो आप लोग याद रखिए।